प्रयोग आप लोग को संपन्न कराया जा रहा है। हम तो हे गुरुदेव इस अपना धूप जरूर पीछे है तो मैं तैयारी करवा रहा हूँ, व्यवस्था करवा रहा हूँ कि आपको धूप नहीं लगे, और अगर धूप लगती है तो तुम्हारा सौभाग्य, क्योंकि मेरा मानस ये बनता जा रहा है कि मैं एकांतवास व्यतीत करूं, शिष्यों के बीच में कम रहूंगा, शिष्यों से कम मिलूंगा, कहीं खुद अपना स्वाध्याय करूंगा, क्योंकि मूल उत्स जो मेरा जीवन का प्रारंभ जो है वह हिमालय में बीता है, जंगलों में बीता है, संन्यास में बीता है, सिद्धाश्रम में बीता है, फिर मैं तुम लोगों के बीच में व्यस्त में आ गया हूं, मगर मेरा मन वही रमता है। यद्यपि आप मुझे प्रिय हैं और शायद आत्मा से भी ज्यादा प्रिय हैं,
मगर बहुत दृढ़ निश्चय होने के बावजूद भी हर बार ये निश्चय करता हूँ कब मैं नहीं मिलूंगा किसी से भी, और फिर वापिस सीट में आकर बैठना पड़ता है। हर बार ऐसा चार बार हो चुका है कि अब मैं नहीं करूंगा, अपने आप लड़के संभाले तो फिर से अपने जगह पर है, वो तो फिर आप लोगों का प्यार और दौर इतनी मजबूत है कि खींच खांच करके फिर मुझे बीच में ला के खड़ा कर दिया। आप लोगों का प्यार है और सही शरीर सही रूप में कहूं कि आप लोगों का सौभाग्य है। जब शरीर में मानस में दिल में 1 करोड़ साधनाएं जब घूमड़ रही होंगी तो सभी साधनाएं बाहर निकलने की कोशिश करती होंगी, और संसार में ऐसी कोई साधनाएं नहीं है जो मैंने संपन्न नहीं की हो, चाहे अवगढ़ साधना हो चाहे सर्व साधना हो। और जीवन के प्रत्येक पक्ष को जिया है, ऐसा भी नहीं कि मैं बिल्कुल रूखा सूखा हरिद्वार में बसने वाला और मथुरा में बसने वाला कोई पंडा नहीं रहा हूं। जीवन को मस्ती के साथ जिया है और प्रत्येक साधना को बड़े दमखम के साथ जिया है, कष्ट भोग करके तकलीफ उठा के मुस्कुराते हुए और पूर्ण पौरुषत्व के साथ। यह जो पर्व है दीपावली का, यह एक सामान्य दीपावली पर्व नहीं है। ऐसा नहीं एक दिया जलाया और आप लोग यहाँ आए, और यह ऐसा पर्व नहीं है। इस बार का जो पर्व है, इस बार के पर्व में मैंने आपको जानबूझ करके बुलाया है, और भविष्य में भी मैं 98% तो ये कोशिश करूंगा कि मैं शिविर स्थगित करूं, मैं करता हूँ ये वैसा सी बात। 10 शिविर मेरे पास लिस्ट लाया, 10 में से 10 का 10 कैंसिल किए, मैं नहीं जाऊंगा। ये रोया भी, गिड़गिड़ाया भी, 10 लोगों को साथ मिलाया भी, खर्च भी करवाया, कई काम किए, मगर मैंने कहा मैं निश्चय कर चुका हूँ कि मैं शिविरों में अब नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये जो इतनी साधना है तो फिर मेरे साथ चली जाएंगी, ये इस कागजों से उतरेगी नहीं, जमीन पर उतरेगी नहीं तो और कोई इस पृथ्वी पर है नहीं कि इन साधनाओं को काल के साथ। और कोई व्यथा मानस में नहीं है, बहुत प्यार है आप लोगों का, बहुत प्रभु से तो मैंने इतना मांगा नहीं था, शायद उसने कई हजार गुना प्रभु ने दे दिया है, धन यश मान पद प्रतिष्ठा वैभव सुख शिष्य संन्यास पकड़पन गरीबी अमीरी और सुनसान साधनाएं भी, और जो कुछ भी संसार में और भारतवर्ष में जो सुदूर साधनाएं हैं वे उन सब साधनाओं को भी जो असंभव को भी संभव कर सके, उन प्रकार के साधनाओं को एक क्षण में भी मैं अगर रामचरितमानस में लक्ष्मण कहता है कि मैं एक कंदों के ब्रह्मांड उठाऊं, पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठाकर छोड़ सकता हूं, मैं भी उस शब्द को आपके सामने दोहरा सकता हूँ। आपको शायद ये बात कटपटी लग रही होगी, ऐसे भी लग रहा होगा शायद मैं अपनी प्रशंसा कर रहा हूँ, इस उम्र में आकर के मुझे अपनी प्रशंसा करने की जरूरत नहीं है, ऐसे फूलों के हार पहनने की भी मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, मगर जो वास्तविकता है जो हकीकत है वह मैं आपके सामने अपने बेटों के सामने शिष्यों के सामने कहना मेरा फर्ज मेरा धर्म मेरा कर्तव्य है, और उससे भी ज्यादा धर्म और फर्ज और कर्तव्य ये है कि यदि मैं आपके जीवन में ये सब चीजें नहीं उतार सकता मन में रह जाए मैं आप लोगों को दे नहीं पा रहा, इसलिए आप लोगों को बुरा कर दो, तो ये ग्रहण 144 वर्षों के बाद में आया है, और इस ग्रहण की विशेषता यह है ग्रहण का प्रारंभ 48 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है और 24 घंटे बाद तक रहता है, ग्रहण केवल 6 मिनट या 8 मिनट या 12 मिनट या 20 मिनट में ग्रहण नहीं होता। जब वसंत आता है तो वसंत केवल आता ही नहीं है, वसंत की हवा तो लाखों मील दूर से पहले से आ जाती है,
माघ महीने से ही बसंत की हवा लगने लग जाती है, वसंत ऋतु से, बसंत पंचमी से, जिसकी ग्रहण शक्ति मजबूत है, सुगंध सहने की शक्ति है, उस समय लगता है फूल खिलने लगे हैं, अब बसंत की हवा आने लगी है, अब बसंत आने लगा है, अब बसंत आया है। सूखे अध्यायों में बसंत नहीं आता है। इसी प्रकार ग्रहण 48 घंटे पहले से प्रारंभ हो जाता है, ठीक ग्रहण जब सूर्य ग्रस्त होता है, ग्रस्त होने की क्रिया का मतलब है कि वह सब कुछ सूर्य की अपनी तेजस्विता अपने आप की समाप्त करके बांट देने की क्षमता, सूर्य अस्त होने का मतलब सूर्य काटा नहीं पड़ रहा है, सूर्य अपनी पूरी तेजस्विता बांट लेता है। अब आप ग्रहण कर सके या नहीं कर सके तो मंत्रों के माध्यम से ही ग्रहण कर सकते हैं। अब कौन ग्रहण कर सकता है, या तो गुरु जानता है, या जो जानता है वो ग्रहण करता है, करके बांट लेता है, कोई जानता ही नहीं है वो बेकार चला जाता है। मेरे पास हीरों की थैली भरी हुई है और फेंक दो तो फेंक दूंगा, यदि उसको लेकर के मैं आपको बांट लूंगा तो एक एक हीरा भी आपको 5-5 करोड़ का हो जाएगा। सूर्य अपनी पूरी तेजस्विता पृथ्वी को फेंक देता है। अब आप में कितनी क्षमता है कि आप उसे उतार सके, तेजस्विता का मतलब है साधना सिद्धि सफलता पूर्णता तेजस्विता, और 144 साल के बाद आने का मतलब यह है कि आप कल जब ग्रहण देखेंगे तो देखेंगे कि पूरा काला हो गया है और तारे दिखने लगे हैं, और उसके बाद आज तक जब सूर्य ग्रहण वापस सुधरने लगता है तो किनारा सफेद होता है, फिर और किनारा सफेद होता है, सफेद होते 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 फिर पूरा प्रकाश होता है, ऐसा सूर्य ग्रहण होता है। इस बार का सूर्य ग्रहण की विशेषता यह है कि पहले चारों तरफ से अंधेरा रहेगा, बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट रोशनी प्रदान करेगा, ठीक वैसा ही जैसे हीरे की एक अंगूठी हो, बीच में हीरा जड़ा हुआ हो, चारों तरफ सोने की एक रिंग हो, ये ऐसा क्षण मिलता नहीं है। और आप सोचिए कि 5-5 से 10-10 लाख रुपए खर्च करके वैज्ञानिक यहाँ भारतवर्ष में उस ग्रहण को एक्सपेरिमेंट करने के लिए आए हैं, तो कुछ पागल तो नहीं है कि 20 लाख रुपए टिकटों के खर्च करके आए हों और उसका अध्ययन कर रहे हों, और फिर भी उस विज्ञान को ये समझ नहीं आएगा ग्रहण ये गणपति दूध क्यों पीते हैं, फिर उस विज्ञान को ये समझ नहीं आ रहा है कि ये सब क्या चीज है, विज्ञान को ये समझ नहीं आ रहा काला क्यों हो रहा है, काला होने का कोई चंद्रमा बीच में कोई आना, और ये तो एक कहना मात्र है तुम बदमाश हो, वो तो वैसी बात नहीं, वो तुम कहो मैं बदमाश हूँ, यह तो वह क्षण है जब सूर्य ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, ओम रीम मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय रीम ओम नमः, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवि तुर वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।